गांव में मदन और सुजाता नाम के दो पति पत्नी रहते थे। मदन बहुत ही अच्छा और नेक दिल इंसान था। मदन रमेश नाम के आदमी से रोज दूध खरीदता था, फिर उस दूध को अपने घर ले आता था। फिर सुजाता उस दूध को गर्म करती थी, उसे ठंडा करके अलग अलग बर्तनों में भर के उसका दही बनाती थी। पति पत्नी दोनों मिलके अपनी छोटी सी एक दही की दुकान चलाते थे। दही बेचकर जो भी पैसे मिलते थे उससे ही अपना जीवन चलाते थे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मदन का दही का व्यापार बढ़ने लगा था। लोग भी उसकी दुकान पर दही खरीदने के लिए आने लगे थे। कभी कभी तो किसी लोगों को दही मिलता भी नहीं था। सुजाता, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें दूध ज़्यादा खरीदना पड़ेगा ताकि हमारे दुकान पे जो भी आए उसे दही मिल सके। दूध लेने के लिए जाता है तब वो कहता है, आज से मुझे थोड़ा ज़्यादा दूध चाहिए होगा, क्या मुझे मिल जाएगा? हाँ हाँ मिल जाएगा, क्यों नहीं, तुम्हें जितना चाहिए उतना ले जाओ। मदन के जाने के बाद ताहे मदन का दही का व्यापार अब बढ़ रहा है, लेकिन मेरे दूध के व्यापार में तो कोई तरक्की नहीं हो रही है। अब मुझे मदन के दूध में पानी मिलाना होगा। आगे जब मदन दूध लेने के लिए आता था तो रोज वो उसमें पानी मिला के मदन को दूध देता था। जब उस दूध में से दही बनाया तो दही फटा हुआ बना। ये बात सुजाता ने आकर मदन को बताई। सही कह रही हो, तभी मैं सोचूं हमारे ग्राहक आने बंद क्यों हो गए। वो हमें रोज दूध में पानी मिला के ही देता होगा। अब मुझे किसी और दूध वाले से दूध लेना होगा जो भरोसेमंद हो और दूध में पानी ना मिलाए। किसी और पे कैसे भरोसा करें? अब हम ऐसा करते हैं, हम खुद की एक गाय ले लेते हैं और हमारे खुद की गाय के दूध से ही हम दही बनाएंगे। वैसे तुम कह तो सही रही हो, मैं कल जाके ही एक गाय खरीद लाऊंगा। था अगले ही दिन मदन एक गाय खरीद लाता है। सुजाता उसकी देखभाल में लग जाती है। फिर मदन और सुजाता का दही का व्यापार बहुत ही अच्छा चलने लगा था। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाते रहें।